13 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपने दोस्त से कह दिया था कि अगर मैं 30 साल की उम्र तक मिलियनेयर नहीं बना तो मैं ओहामा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। बाकी तो आपको पता है कि फिर क्या हुआ। तो एक आम से बच्चे ने इतना सब कुछ कैसे हासिल किया, इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट से। अब आप कहोगे कि आपको इन्वेस्टमेंट तो नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। एक माँ अपनी फैमिली में टाइम इन्वेस्ट करती है जिसका रिटर्न उसे एक हैप्पी फैमिली के तौर पर मिलता है। एक एम्प्लॉय अपने जॉब में अपना टाइम इन्वेस्ट करता है जिसका रिटर्न उसे सैलरी के तौर पर मिलता है। और एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जिसका रिटर्न उसे प्रॉफिट के तौर पर मिलता है। यानी इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ में हर जगह है। बस इन्हीं डेली लाइफ इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स को समझकर वॉरेन बफेट के मेंटर बेंजामिन ग्राहम ने यह बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी थी। 1949 में लिखी गई इस बुक के प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया की बाइबल कहते हैं। वॉरेन बफेट ने खुद इस बुक को रिकमेंड करते हुए यह कहा है कि यह इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई आज तक की सबसे अच्छी किताब है। तो आइए जानते हैं इस बुक में है क्या। मैं आपको इस बुक से 8 लेसंस बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। लेसन 1, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर। इन्वेस्टिंग की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर। जिन्हें हम आमतौर पर इन्वेस्टर समझते हैं वो असल में स्पेक्युलेटर्स होते हैं। तो आइए जानते हैं इनमें क्या फर्क है। एक स्पेक्युलेटर मार्केट और रीसेंट ट्रेंड्स को देखकर ही अपना डिसीजन लेता है, यानी वो अपने लक और अंदाजा लगाने की कैपेसिटी पर भरोसा करता है। वहीं एक इन्वेस्टर अपने सारे डिसीजन अपने एनालिसिस के बेस पर लेता है। एक इन्वेस्टर वही है जिसमें 3 क्वालिटीज हो। फर्स्ट क्वालिटी, उसका एक्शन एनालिसिस बेस्ड हो ना कि ट्रेंड बेस्ड। एनालिसिस करते समय ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें मार्केट नहीं बल्कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी एनालिसिस करनी है, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट की जा सकती है। सेकंड क्वालिटी है, जो अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी को इंश्योर कर ले। थर्ड क्वालिटी है, जिसका एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स हासिल करने का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में अच्छे परफॉर्मेंस का हो। जिसमें भी ये 3 क्वालिटीज नहीं है वो एक स्पेकुलेटर है, इन्वेस्टर नहीं। और ग्राहम का कहना है कि अगर सच में आप इन्वेस्टमेंट से अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो आपको स्पेकुलेटर नहीं बल्कि इन्वेस्टर बनना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो ये कि आपका अंदाजा कभी भी गलत हो सकता है। लेसन 2, डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस एग्रेसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अगर हम रियल वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो 3 तरह के होते हैं, डिफेंसिव, एग्रेसिव और एंटरप्राइजिंग। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर रोहित शर्मा की तरह होता है जिसका रन रेट तो कम है लेकिन जो लंबे समय तक पिच पर टिक कर विकेट बचाता है। वहीं एग्रेसिव इन्वेस्टर शिखर धवन की तरह हाई रन रेट तो देते हैं लेकिन कई बार छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। वहीं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर विराट कोहली की जैसे होते हैं, जो कभी एग्रेसिव होकर रिस्क ले लेते हैं, कभी डिफेंसिव होकर विकेट बचाते हैं। अब इसे इन्वेस्टमेंट की नजर से समझते हैं। एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हाई रिटर्न्स पाने के लालच में हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट करता है। वहीं एक डिफेंसिव इन्वेस्टर ऐसा होता है जो लो रिस्क फंड या यूं कहें कि सिक्योर फंड में इन्वेस्ट करता है। वहीं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा सिक्योर फंड में और कुछ हिस्सा हाई रिटर्न फंड में इन्वेस्ट करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट यानी कुछ ही समय में बहुत सारा पैसा कमाना और रातों रात अमीर बन जाना, लेकिन सच बात यह है कि दुनिया के हर काम की तरह यहां भी पेशेंस रखना पड़ता है। और बिना पेशेंस के शायद आपको थोड़ा फायदा हो सकता है लेकिन एकदम से जब नुकसान होगा तो आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए आपको कौन सा इन्वेस्टर बनना है यह सोचना बहुत जरूरी है। यह फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आपके इन्वेस्टमेंट का मेन एम क्या है। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो फॉलो कर सकते हो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत सारे एनालिसिस करनी होती है लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इतनी एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता और वो एक पार्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं। तो उनके लिए बेहतर यह है कि वो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो फॉलो करें। इससे उनके रिटर्न शायद थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहेगी। ग्राहम एग्रेसिव इन्वेस्टर बनने का सजेशन किसी को नहीं देते क्योंकि वो रास्ता गैम्बलिंग की तरह है जो आपको एक दिन में अर्श से फर्श पर ला सकता है। लेसन 3, डिफेंसिव पोर्टफोलियो। अगर आपने एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने का फैसला किया है तो आइए देखते हैं कि बेंजामिन ग्राहम आपको किन कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। सबसे पहला है एडिक्वेट साइज ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी आपको बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग रन में ये एडिक्वेट रिटर्न देती है, वहीं छोटी कंपनीज काफी रिस्की होती है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, यानी आपको एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके करंट एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से दुगने हो, यानी उसके डेट और अर्निंग में 2:1 का करंट रेशियो होना चाहिए, यानी कि 200% करंट रेशियो होना चाहिए। नंबर 3, अर्निंग स्टेबिलिटी, यानी पिछले 10 सालों में कंपनी ने कोई बड़ा लॉस ना उठाया हो और कुछ ना कुछ रेगुलर प्रॉफिट गेन किया हो। नंबर 4, डिविडेंड रिकॉर्ड, यानी कंपनी ने कम से कम 15-20 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगातार डिविडेंड पे किया हो। नंबर 5, अर्निंग ग्रोथ, यानी कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते रहना चाहिए और पिछले 10 सालों में कम से कम 33% बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ इन्फ्लेशन को देखते हुए कम से कम 10 सालों में 100%, यानी कि डबल प्रॉफिट तो होना ही चाहिए।
नंबर सिक्स है मॉडरेट पीई रेशियो, यानी कंपनी के शेयर का करंट प्राइस उसके पिछले 10 सालों के रिटर्न से 15 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप उस स्टॉक को उसके एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा प्राइस में खरीद रहे हो, जो आपके फ्यूचर रिटर्न को कम कर देगा। इन सब के अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। उसका पोर्टफोलियो 50-50% का होना चाहिए, यानी कि 50% उसे बॉन्ड या कैश में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी के 50% स्टॉक्स में। वैसे तो वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम हमेशा एक पेशेंट, डिफेंसिव और लेस एक्सपेक्टेशंस रखने वाला इन्वेस्टर बनना सिखाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनकर हाई रिटर्न्स में अपना हाथ आजमाना चाहते हो तो अगला पॉइंट आपके लिए है लेसन 4, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आपको ये चार चीजें जरूर मिलेंगी, पेशेंस, डिसिप्लिन, ईगरनेस टू लर्न यानी कुछ सीखने की चाहत और बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे जिंदगी से थोड़ा हासिल करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है, वैसे इन्वेस्टमेंट से कम लॉस में ज्यादा रिटर्न्स पाने के लिए भी आपको बाकियों से कुछ अलग करना होगा। आइए सीखते हैं क्या। नंबर 1, मार्केट के खिलाफ जाना, यानी जब सब लोग मार्केट के नीचे आने के डर से अपने शेयर बेच रहे हैं तब आप खरीदो, और जब सब मार्केट के ऊपर जाने से लालची बनकर खरीद रहे हैं तब आप बेचो। नंबर 2, ग्रोथ स्टॉक्स खरीदना। ग्रोथ स्टॉक यानी वो कंपनियां जो मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर्स से ऑन एन एवरेज ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, जिनके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विसेज है जिससे फ्यूचर में उनके शेयर्स की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन इन कंपनीज के शेयर हाई पीई रेशियो पर मिलते हैं और ये वैल्यू स्टॉक्स के मुकाबले डिविडेंड कम देती है। यानी अगर आपकी रिसर्च सही है और आगे आने वाले समय में कंपनी की एसेट वैल्यू बढ़ गई तो शेयर बेचते समय आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी है ताकि आप सटीक अंदाजा लगा सको, वरना नुकसान भी हो सकता है, इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर को इसमें हाथ डालने से मना किया जाता है। नंबर 3 है बार्गेन स्टॉक्स को खरीदना। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो रेप्यूटेड कंपनी के तो होते हैं लेकिन किसी मार्केट रीजन की वजह से सस्ते में मिल रहे होते हैं, यानी कि इन कंपनीज के शेयर्स का मार्केट प्राइस तो कम होता है लेकिन जब आप इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो ये काफी हाई होती है। नंबर 4, स्पेशल केसेस को खरीदना। इनमें उन छोटी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिन्हें कोई बड़ी कंपनी एक्वायर करने वाली हो, ऐसे स्टॉक्स भी काफी प्रॉफिट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रुचि सोया का स्टॉक, ये कंपनी लॉस में चल रही थी और इसका शेयर प्राइस 20 रुपए से भी कम का था, लेकिन इसे पतंजलि ने एक्वायर किया। अब ये कंपनी प्रॉफिट में और 2 साल बाद इस शेयर का आज जो भाव है वो 1000 रुपए से भी ऊपर है। लेसन नंबर 5 है मिस्टर मार्केट। इन्वेस्टमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? मार्केट। लेकिन इसी मार्केट के उतार चढ़ाव के डर के कारण से ज्यादातर लोग अपना पैसा इसमें डालने से डरते हैं। इस कॉम्प्लेक्स से मार्केट को ग्राहम ने अपनी किताब में एक सिंपल सा मूडी मिस्टर मार्केट का नाम दिया है ताकि हमारे लिए इसके फ्लक्चुएशन को समझना आसान हो जाए। तो मिस्टर मार्केट का मूड रोज सुबह बदलता है। जब इसका मूड अच्छा होता है तो शेयर के प्राइस को उसके एक्चुअल वैल्यू से काफी ज्यादा कोट करता है, यानी कि वो 100 रुपए के शेयर को 1000 रुपए में देने को तैयार हो जाता है। वहीं जब उसका मूड खराब होता है तो वो 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए में देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो अगर आप एक समझदार आदमी हो तो आप क्या करोगे? सिंपल है, जब उसका मूड ठीक हो तो आप अपने 100 रुपए के शेयर को 1000 रुपए में बेचो, जब उसका मूड खराब हो तो उसके 100 रुपए के शेयर को आप 10 रुपए में खरीदो। पर ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। जिस दिन मार्केट का मूड अच्छा होता है तो वो ज्यादा प्राइस कोट करता है और लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि कल इसका मूड शायद और ज्यादा अच्छा होगा, कल ये 1000 के शेयर 5000 के हो जाएंगे, इसलिए आज वो 1000 के उन शेयर को खरीद लेते हैं। और जब उसका मूड खराब होने लगता है तो लोग डर के मारे कहीं उसका मूड खराब ना हो जाए अपने शेयर को 10 रुपए में बेच देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि अगर आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना है, लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप मार्केट को भूल ही जाओ। उसका मूड कैसा भी हो आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बट अव्वल आखिर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मार्केट के रेट से ही करने हैं, तो हमेशा ये कोशिश करिए कि जब मार्केट डाउन हो तभी आप खरीदो। आपको शेयर्स खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट लगता है। देखो फिलहाल तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो व्हाट आई रिकमेंड यू कि आप कम से कम अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के रख लो। जब मौका आए, जब आपको लगे कि यार अब मार्केट काफी डाउन है, मिस्टर मार्केट का मूड खराब है, 100 रुपए के शेयर 50 रुपए में मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहे हैं, तब आप इसमें पैसा डालना। तो डीमैट अकाउंट कम से कम अपना खुलवा के रख लो। आप अब स्टॉक्स पर 99 रुपए देकर एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप आज ही अकाउंट खुलवा रहे हो तो अब स्टॉक्स आपको फ्री डिजिटल गोल्ड भी देता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो आप कम से कम रेडी रहो, अपनी तैयारी करके रखो। डीमैट अकाउंट खुलवाने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो आप अपना अकाउंट कम से कम रेडी करके रखो ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आपको अफसोस ना हो कि यार मेरा तो डीमैट अकाउंट ही नहीं है। सो गेट योर डीमैट अकाउंट ओपन। लेसन नंबर 6 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको मार्केट से 100 रुपए का सामान लाना होगा तो क्या आप घर से 100 रुपए लेकर ही निकलोगे? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो 100 रुपए लेकर ही निकलेंगे। या एक इंजीनियर को 20,000 किलो की कैपेसिटी का पुल बनाना हो तो क्या वो बस 20,000 किलो का ही बनाएगा? नहीं ना।
अब जो लोग समझदार होंगे वो कम से कम 150-200 रुपए लेकर निकलेंगे, और इंजीनियर भी पुल कम से कम 30,000 से 40,000 किलो की कैपेसिटी का बनाएगा ताकि किसी अनवांटेड सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बस इसी लॉस को मिनिमाइज करने के तरीकों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ग्राहम का कहना है कि इन्वेस्टमेंट में क्या करना है से ज्यादा जरूरी होता है कि हम ये याद रखें कि क्या नहीं करना है, इसलिए हमें कभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रिस्क पर चला जाएगा जो हम कभी नहीं चाहते। अब इन्वेस्टमेंट में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे तय करनी है, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्टॉक का प्राइस और इसकी रियल वैल्यू कभी भी एक नहीं होती। प्राइस वो होता है जो हम उस टाइम उस स्टॉक को खरीदने के लिए पे करते हैं, और वैल्यू वो जो उस कंपनी के प्रॉफिट, डिविडेंड और एसेट्स को ध्यान में रखकर तय की जाती है। तो अगर किसी शेयर की वैल्यू 50 रुपए, तो आमतौर पर लोग उसे 50 में खरीद कर उसकी प्राइस बढ़ने का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ वॉरेन बफेट होते तो क्या करते हैं, वो उस स्टॉक को तब तक नहीं लेते जब तक उसकी प्राइस उसकी रियल वैल्यू से 2/3 नहीं हो जाती, यानी जब तक उन्हें 50 रुपए की वैल्यू का स्टॉक 30 से 35 रुपए की प्राइस में नहीं मिलता वो नहीं लेते। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इंस्टेंट फायदा देती है और प्रिंसिपल की सेफ्टी की भी गारंटी देती है। लेसन नंबर 7, IPO इन्वेस्टमेंट। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां कंपनीज खुद अपने शेयर्स को मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलकर बेचती है। नॉर्मली हम जो शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं उसे हमारे जैसे कॉमन लोग बेचते हैं, इसलिए इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमें स्टॉक उसके एक्चुअल वैल्यू से सस्ते में मिल जाए। वहीं जब कंपनी खुद अपने शेयर बेचेगी तो वो उसे एक्चुअल वैल्यू से कभी भी कम में नहीं बेचेगी, यानी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी लोग IPO लेने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन ग्राहम कहते हैं कि इससे बचना चाहिए। वैसे भी जब हमारे शेयर मार्केट में 4,000 से ज्यादा कंपनीज ऑलरेडी हैं, तो इन्वेस्मेंट के लिए IPO के पीछे क्यों भागना। लेसन नंबर 8 है मार्केट और इन्फ्लेशन। अब हमने इतना सब कुछ सीख लिया तो जाते जाते जान लेते हैं कि क्यों हमें अपनी मेहनत से कमाया पैसा स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां प्रिंसिपल की गारंटी भी नहीं होती और इतना सब कुछ सीखना भी पड़ता है। क्यों ना हम सिंपल सी 10 साल की FD करें और खुश रहें। तो इसका जवाब छुपा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर में। जो दाल 10 साल पहले 50 रुपए किलो थी, आज 120 से 130 रुपए किलो है। पेट्रोल के रेट्स आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम इंडिया के इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो पिछले 10 सालों में 6-7% का इन्फ्लेशन रेट देखा गया है। अब अगर FD देखें तो वह आपको 5-6% का रिटर्न देती है, यानी कि कुल मिलाकर लॉन्ग रन में आपके पैसे की वैल्यू कम ही होगी। अमीर बनने का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए, तभी लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट होगा और आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहलाओगे। तो दोस्तों, ये थे इन्वेस्टिंग की सबसे बेहतरीन किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ जरूरी सबक, जिन्हें याद रखकर आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक समरी सुनने के लिए डाउनलोड करिए ये बुक ऐप, और अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा के रख लेना ताकि इन्वेस्टमेंट का मौका आपके हाथ से ना निकले। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।